जुनेद भाई, सिकंदर भाई और अनवर भाई आप हो गए हैं। कौन रह गया है? किशोर पापी, फैजान अंकल। ओके, शम्मू आंटी को भेजते हैं, ड्राइवर के हाथ भेज देते हैं। क्या हो रहा है मामा? हाँ, गेस्ट लिस्ट चेक कर रही हूँ कि किसी को शादी का कार्ड तो नहीं पहुंचाना अभी। हाँ, बाकी गेस्ट की तो खैर है, लेकिन शमशेर खालू को ना भूलिएगा, सबसे ज्यादा बवाल वो ही मचाएंगे। नहीं, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा है। अच्छा मामा, मैं जरा आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? डिजाइनर के पास शेरवानी पिक करना है। तो गाड़ी तो है नहीं, वो तो पापा लेके गए। मैं आई नो, इसलिए बाइक पे जा रहा हूँ। नहीं नहीं प्लीज सनी, बाइक पे मत जाओ, यू नो आई डोंट लाइक इट। थोड़ा सा वेट कर लो, पापा आ जाएंगे फिर चले जाना। अरे मामा, कुछ नहीं होता, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम्हारे यूं आने यूं जाने से तो मुझे डर लगता है, इट्स नॉट सेफ। प्लीज मामा, आई एम गेटिंग लेट, आप परेशान ना हो, मैं बस जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रख। शादी के बाद सबसे पहले इसकी बाइक बेचूंगी मैं, मुसीबत है, शैतानी चीज। मम्मी को दिखाओ। सर जरा मम्मी को वीडियो कॉल करूं, आप दिखा देंगे? जी बेटा जानी। हाँ मामा, देखें कैसा लग रहा हूँ, दूल्हा लग रहा हूँ ना पूरा? ओ बहुत अच्छे, जाहिर है दूल्हे हो तो दूल्हे ही लगोगे ना। अच्छा, और ये वॉच देखें, ये कैसी लग रही है इसके साथ? हाँ घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और मामा ये खुशा दिखाना था, ये खुशा देखें, ये कैसा लग रहा है? हाँ शूज अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बस करो, बात सारा कुछ वीडियो पे दिखा दोगे तो घर आके क्या दिखाओगे? आराम से पहले घर आ जाओ, सब कुछ पहन के दोबारा दिखाना मुझे। ठीक है, जो हुक्म आपका। ओके सी यू। अच्छा मामा एक मिनट, बात तो सुने, बात सुना है? हाँ क्या हुआ? आई लव यू, जल्दी आ रहा हूँ। आई लव यू टू, ध्यान से आना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप अचानक फोन तो कर गए थे। अरे भाई मैं तो कह रहा था कि फोन करके चलते हैं, मगर इन्होंने कहा कि आप तो घर ही पर होंगी। जी जी घर पे तो होती हूँ, आजकल आपको पता है ना, शादी का घर है, 100 काम होते हैं। आइए 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 आइए। रिश्ते में बेशक हम एक दूसरे के समधी हैं, लेकिन आप मुझे अपनी बहन ही समझिए। और जरी का ये ससुराल नहीं है, ये उसका महका है। मैं उसे बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। हमने भी ऐसा ही चाहा था, न जाने क्या क्या खास था जान लिए थे। तो आपके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं।
माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक वादा करें आप मुझसे, जिस तरह मैं जरी को अपनी बेटी समझूंगी, आप भी मेरे सनी को अपना दामाद भी अपना बेटा समझिएगा। बहुत सीधा सादा सा है मेरा बेटा। सनी की शराफत और किरदार के बारे में तो कुछ शक है ही नहीं। शराब लेके भी ढूंढते तो ऐसा दामाद ना मिलता, मगर तकदीर के फैसले निराले हैं। इंसान बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। कैसी बेशुगनी की बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? कौन है जो हमारे बच्चों के रिश्ते में रुकावट बन रहा है? आप सबको जानते बूझते ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? आप मुझे पहेलियां मत बुझाएं। आप साफ साफ मुझे बताएं क्या बात है। आपकी तो सारी शरायत हमने मान ली थी। ये अनसिले कपड़े जो आपने हमारी बेटी को दिए थे और वो अंगूठी जो आपने उन्हें दी थी, तो हम वापस करने आए। सनी के पापा से कोई बात हुई आपकी? कोई अनबन हो गई है क्या? मुझे बताए ना। सुबह वो भी शादी की तैयारियां रुकवाने का कह रहे थे। मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा है? सनी अपनी शेरवानी लेने के लिए गया हुआ डिजाइनर के पास, वापिस आएगा तो क्या कहूंगी उसे मैं? किस तरह के माँ बाप अंगूठी वापस करने के लिए आए हैं? आप हमें इजाजत दीजिए, यही मुनासिब होगा। आप मेरी बातों का जवाब दिए बाहर नहीं जा सकते यहाँ से। मेरा ख्याल है जब भाई साहब वापिस आएंगे तो वही आपको सब अच्छी तरह बता सकेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी बस आप हमें इजाजत दीजिए। ऐसा कैसे ये रिश्ता तोड़ के जा सकते हैं? सारी तैयारियां कर चुके हैं, रात को घर में ढोलकी है, फिर मायूं, चार दिन बाद मेहंदी है, और ये लोग अंगूठी वापस कर दिए। क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? ठीक सब भी कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं माँ हूं दूल्हे की, मुझे क्यों बेखबर रखा है? कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।